हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनू आपको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको मैंगो जूस बनाना बताऊंगी। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, इसे आप जरूर ट्राई कीजिए। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज फ्रेंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अपने फीडबैक कमेंट देना ना भूले, बेल आइकॉन जरूर दबाए जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। इसके लिए बेल आइकॉन आप जरूर दबाइए। मैंगो जूस बनाने के लिए हमने दो इस तरह से मैंगो लिया है और ये चिल्ड पानी लिया है। ये काला नमक है, आधी चम्मच काला नमक है, और ये होममेड चाट मसाला है, ये भी आधी चम्मच है। हमने यहाँ पे दो बड़े चम्मच चीनी लिया है। अगर आम मीठा है या आपको मीठा ज्यादा पसंद है तो उसमें चीनी ऐड कीजिए, नहीं तो चीनी को आप कम ज्यादा अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। अभी हम आम को इस तरह से पूरा छील करके छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। आम को हमने इतने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और ये ध्यान रखना जरूरी है जूस बनाने के लिए कि इसमें रेशे वाले आम मत यूज कीजिए, नहीं तो जूस अच्छा नहीं बनेगा। जिस आम में रेशा ना हो उस आम को आप यूज कीजिए जूस बनाने के लिए। एक इस तरह से जार लेंगे, उसमें आम को सारे मैंगो को डाल दूंगी और इसमें ये चाट मसाला। बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनता है ये जूस। काला नमक, ये चीनी, इन सबको थोड़ा सा पानी के साथ, थोड़ा सा पानी हमने अभी यूज किया है, और कुछ आइस क्यूब डालेंगे और इन सबको अच्छे से एक जूस बना लेते हैं। बहुत ही टेस्टी और काफी अच्छा जूस बन करके रेडी होगा ये। इस तरह से बहुत ही टेस्टी। कंटिन्यू इसे नहीं चलाएंगे, कुछ देर चलाएंगे, रोकेंगे इस तरह से। ये जूस बन करके रेडी हो गया है, बहुत ही टेस्टी और काफी अच्छा यमी। देखिए बहुत ही बढ़िया जूस बन करके रेडी हो गया। इसे हम एक जार में पलट लेते हैं। बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार हो गया और हम प्लेटिंग कर लेते हैं थोड़ा। बहुत ही अच्छा बन करके जूस रेडी हो गया है। देखिए कलर भी कितनी अच्छी दिख रही है। और इसमें हम अब आइस क्यूब डालेंगे। आइस क्यूब डाल के इस तरह से आइस क्यूब। बहुत ही बढ़िया बना है और हेल्दी भी है, आप इसे जरूर घर पे ट्राई कीजिए। बहुत अच्छा जूस बन करके रेडी हो गया। देखिए मैंगो जूस बहुत ही अच्छा लगेगा आपको घर पे। जब भी आपको मन करे इस तरह से जूस बनाइए और गेस्ट को भी दीजिए, अपने बच्चों को दीजिए और खुद भी एंजॉय कीजिए। बहुत ही अच्छा और टेस्टी बन करके तैयार हो गया।